मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, आदर आदाब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश पार्ट डी बीएसटीसी, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, ये की कौन सी, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे मैं ये की यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जैसे क्वेश्चन भी साथ में बोलूँगा तो इसके साथ में आंसर भी बोलता रहूँगा, इसलिए आप अपने क्वेश्चन के साथ में आंसर को मिलाते रहेंगे। चलो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम खर्च किए। 151, शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसका आंसर रहेगा शी आस्क मी व्हाट वाज आई डूइंग, इसका आंसर है। 152, इसमें अपने को चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें अपने आंसर रहेगा डिजीज, ये जो बी ऑप्शन है डी आई एस ई ए एस ई, इसका आंसर है बी। फिर ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपिकेशन, इसका अपने आंसर रहेगा एक्सपर्ट, ई एक्स पी ई आर डी, ठीक है। चलो फिर आगे की देखते हैं। फिर ये अपने चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ, इसका अपने देखना है एक, इसमें अपने आंसर जो ये रिमूव दे रखा है ऑप्शन सी, इसके लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे सी। फिर अपने गिव द करेक्ट एनोनिम्स ऑफ कंपेशन, कंपेशन का इसका अपने आंसर रहेगा बी। 151, हेटर्ड। फिर इसके आगे ये चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट, द टीचर वाज टू एंगी दैट शी लेफ्ट द क्लासरूम, इसका अपने आंसर ये 156 है, इसका आंसर है द टीचर वाज सो एंग्री दैट द लेफ्ट द क्लासरूम, ठीक है। फिर अपने आगे के देखना है, चूज द ऑप्शन विद द वर्ड दैट इज क्लोज इन मीनिंग, फिर अपने इसका अवंडन है, इसका आंसर रहेगा अपने फॉरसेक, ये इसका अपने आंसर रहेगा फॉरसेक। फिर इसके आगे के चूज द ऑप्शन विद द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, इसका अपने आंसर रहेगा जो इसमें ट्विस्ट दे रखा है 158 का। फिर आगे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका अपने आंसर रहेगा ए, अबरविएट। फिर अपने इसके आगे पर्सन हु लव्स बुक एंड रीडिंग, इसका अपने रहेगा फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर अपने बड़े वाला जो पैरा दे रखा है, रीड द गिवन पैसेज एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन वैन, इसका फिर अपने इसका देखने की कोशिश करेंगे कि इसका आपने जो ये है दे रखा है, मेंटलिटी ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज ए प्रोडक्ट ऑफ, इसका अपने आंसर रहेगा हिस्ट्री, ठीक है। फिर द कैरेक्टर ऑफ नेशन इज द रिजल्ट इट इज, इसका आपने आंसर दे रखा है जो 162, इसका आंसर है मेंटलिटी। फिर 163, द नीड ऑफ द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, इसका अपने आंसर रहेगा इज मोर टूडे देन एवर बिफोर, ठीक। फिर जेन्युइन इज द पैसेज मीन, इसका आपने आंसर दे रखा है रियल। फिर अपने आगे का दे रखा है आर मस्ट बी इंसर्ट, इसका आंसर रहेगा अपने ए में जो ए दे रखा है वो जो, ठीक है। फिर 166, एवरीवन एक्सपेक्टेड टू द सेम टीम, इसका आंसर है अपने ए टू विन, इट टुक लॉन्गर आई एक्सेप्टेड, तो इसका अपने आंसर रहेगा देन, ठीक है। फिर 168, ओनली ए कोवर्ड वुड से सो ट्रांसफर इनटू नेगेटिव, इसका अपने आंसर रहेगा नॉट इवन ए कोवर्ड वुड से सो। फिर मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली, इसका अपने आंसर रहेगा मोहिनी इज रादर ब्यूटीफुल देन मिताली, इसमें अपने को पॉजिटिव डिग्री यूज द पॉजिटिव डिग्री यूज करना था। फिर अपने 177, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन इसका है, फिर आई हैड रीच्ड, ठीक है दोस्तों, ये अपने इंग्लिश का था जो 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मेरी आपसे एक विनर में विनती रहेगी कि ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप मेरे इस वीडियो के चलने और आप मेरे काम में सहयोग देने के लिए प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई फिर भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, मैं आपके हर शक प्रयास करूँगा कि आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। जय हिंद दोस्तों।